पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब कार्यालय के वॉशरूम में एक सांप देखा गया। बताया जाता है कि बुधवार कार्यालय के वॉशरूम में जैसे ही एक महिला कर्मी गई, दरवाजे पर एक जहरीले सांप को देख उल्टे पांव बाहर निकली और अपने सहकर्मियों को बताया। उधर देखते ही देखते कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। वैसे पूरे एक घंटे तक उपायुक्त कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं कार्यालय की ओर से स्नैक कैचर को सूचना दी गई, लेकिन जब तक स्नैक कैचर जिला मुख्यालय पहुंचते तब तक सांप कहीं ओझल हो चुका था। वैसे सांप कहां गया यह किसी को नहीं मालूम। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के ठीक पीछे जुबली पार्क है जहां जहरीले सांपों का जमावड़ा रहता है। बताया जाता है कि आए दिन जिला मुख्यालय में सांप निकलते रहते हैं। फिलहाल सांप से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। क्या है? हम लोग टॉयलेट जा रहे थे, वो गेहूँ का सांप देखे दरवाजे में बैठा हुआ है। डीसी ऑफिस है, अब इसका कुछ समाधान निकालिए, तो जान का खतरा है। टॉयलेट तो सब लेडीज जल्द सबे जा रहे हैं। गेहूँ सांप आया वो दरवाजा बाथरूम का जो दरवाजा सामने डीसी ऑफिस। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।